गाइस वहां से सारा प्रोसेस होके जब वहां पर आ जाता है गुड़ गरम गरम, फिर उससे ये गुड़, मतलब गुड़ भी बन जाता है, ऐसे डलियां बन जाती हैं ऐसे, और ये पड़ी हुई शक्कर, शक्कर भी यही, मतलब इसी से सारा प्रोसेस वही है वहां से यहां तक का। गाइस अभी हम घर से निकल पड़े हैं, हम गिजराबाद जा रहे हैं स्पेशल गुड़ लेने। हुनर मेरे साथ है, आज सोनी हमारे साथ नहीं आई क्योंकि सोनी का आपको मैंने बताया है कि प्रेग्नेंट है, उसको डॉक्टर ने बिल्कुल अब मना कर दिया, उसकी कंडीशन खराब हो गई थी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का मौसम इतना ही जबरदस्त है ना, आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, कैमरे में देख ही रहे हो गए आप, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी अभी जहाँ गुड़ लेने जा रहे हैं आपको पूरा दिखाएंगे, कैसे गुड़, ताजा गुड़ खिलाएंगे भी खिलाएंगे तो चलो कैसे ही, तो खाएंगे तो हम खुद, और आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। तो गाइस यही रास्ता पोटा साहिब की तरफ जाता है। गाइस आप देख रहे होगे कितना प्यारा लग रहा मौसम है ना। देखो कैसी टेक्निकल बात है, सर्दियों में हमें वेट होती है कब सूरज निकलेगा, और गर्मियों में वेट होती है कब सूरज छिपेगा। कैसी टेक्निकल बात है ना। अरे कहना क्या चाहते हो। आगे बस ये थोड़ी देर बाद ना पहाड़ शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर ना मौसम जबरदस्त ही रहता है, चाहे गर्मियों हो चाहे सर्दियों हो, यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा रहता है। तो मेरा तो खुद दिल करता है कि मैं यहाँ पर घर बनाऊँ अपना, ये रास्ता मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस ये हथनी कुंड बैराज, कैमल पर सवारी कराएंगे हुनर की। कितने पैसे भाई उठ के बिठाइए इसनों। भाई यहाँ पर शिकारी बैठे हुए हैं, ये हम अपने बजरंग बली के लिए छोटे के लिए अमरूद कटवा रहे। बढ़िया बढ़िया काट दियो पापा, बढ़िया मीठे हैं सर्दियों में यही फैजान पे। तो भाई ये हम डालेंगे एक मिनट में सफा चट करके सारा कुछ। तू रह गया भाई वो हुनर के पास आ गया। हुनर तेरे कोल आ गई हो, हुनर आ चुका है वापस। गाइस ये पूरा हथनी कुंड बैराज है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो इस करके मैं ज़्यादा घुमा नहीं पा रहा, नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी हमने वहाँ पर जाना ना बेलन पर, जो सा गुड़ का है वो भी दिखाना आपको, वो भी ज़रूरी है। गाइस ये बन रहा है ताज़ा गुड़। तो गाइस वो गन्ना, यहाँ पर पिस्ता, ये देखो ये सारा रस वहाँ गन्ने का निकल के इस नाली के थ्रू इधर आ। ठीक है,
अब सबको लगेगा यार ये तो बड़ा गंदा प्रोसेस चल रहा है, पर नहीं, इसके बीच में यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर, ठीक है, ये जितना भी गंदा यहीं पर रुक जाएगा, अकेला रस इसमें आएगा, अभी तो इसमें इकट्ठा हो रहा है, फिर ये सारा रस इसमें गिरेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर इस रस को पकाया जाएगा, जितने भी इसमें कीटाणु वगैरह हैं सारा कुछ, मतलब सारा कुछ ख़त्म करा जाएगा इसमें से, ठीक है, फिर जब यहाँ पर अच्छी तरह वो कीटाणु वगैरह मर जाएंगे, फिर यहाँ पर डालकर और पकाया जाएगा इसको, ठीक है जी, यहाँ से पका कर फिर यहाँ पर डाला जाएगा, वो बीच में बात कर रहे थे, जब फिल्टर होकर इसमें आ जाएगा, दूसरी बार फिल्टर होगा, फिर यहाँ पर फिल्टर होगा अच्छी तरह, फिर जब यहाँ पर पक जाएगा अच्छी तरह, इनको लगेगा कि हाँ अब ये रस सारा साफ हो गया, फिर यहाँ पर आएगा, फिर कुछ ये बीच में अपना वो मिलाते हैं जो भी इनका सामान होता है, फिर यहाँ पर फाइनली गुड़ पक जाता है, फिर वहाँ पर जाता है उसमें, तो ये तीन प्रोसेस, ये प्रोसेस है, यहाँ से फिल्टर होके इसमें, फिर इसमें से फिल्टर होके इसमें, फिर इधर से बन के वहाँ पर जाता है, वहाँ से फिर गुड़ शक्कर सारा कुछ बन जाता है, तो अभी गाइस रेडी हो रहा है, 5-10 मिनट की बात है, फिर ये वहाँ पर डालेंगे तो आपको गरम गरम गुड़ दिखाएंगे कैसा होता है, ये देखो गाइस यहाँ ये ऐसे आता है रस, ये देखो, ये अब इन्होंने रस इसमें डाल दिया, अब ये यहाँ पर पकेगा, ये तो मुझे है हाँ, ये मतलब जो सी ऊपर ये छिलका वगैरह जो सा था, जो सा गुड़ के बीच में ना है, हाँ, इसका सब वो हो गया फिल्टर, हाँ ये पूरा फिल्टर हो गया, ये तो ये तैयार हो रहा, और इसमें कुछ डालते भी हैं बस, ये सीधा इधर जाएगा, और रंग कैसे बदलता है ये अपना, तो पक हो जाएगा, हाँ अच्छा पक पक के लाल हो जाएगा ये, तो फिर उसके बाद में क्या डालेंगे बीच में, हाँ नहीं वो मतलब गुड़ जमाने के लिए बस छोड़ देंगे, अपने आप जम जाएगा वो, नहीं तो वहाँ काटा जाएगा फिर, अच्छा अच्छा वहाँ पर काट दिया, फिर ये अपने आप जम जाएगा, तो गाइस मेरे को पूरी वेट है कि जल्दी गुड़ बने और जल्दी हम खाएं, ये गुड़ तैयार हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, और अभी 5-10 मिनट और लगेंगे तो बस गुड़ रेडी हो जाएगा, तो अभी टेस्ट भी करेंगे, तो बस मतलब इंतज़ार करना भी मुश्किल हो रहा है, तो गाइस ये अब आएगा टप में, कितना कितना गाढ़ा हो गया, देखो ये रेडी हो चुका है, तो गाइस वेट करना बहुत मुश्किल, मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम पर, तो ये टप ले आए हुनर पीछे, ये देखो अब ये यहाँ पर डल गया, ये प्योर गुड, वाह जी वाह, गाइस जिस जिसके मुंह में स्टम पानी आया वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, यहाँ कमेंट्स में लिखना टेस्टी यम्मी लिख देना, तो हम समझ जाएंगे आपने भी गुड़ टेस्ट कर लिया, वो सौंफ डाली जा रही है, सौंफ का छिड़काव किया गया कि जब वो बाद में फिर गुड़ में हो जाएगी, ये तिली है मतलब गुड़ को पूरा रेडी कर रहे हैं, तो ये देखो गाइस कलर देखो गुड़ का इस टाइम पे, और ये तिली है और ये मूंगफली वाला, ये बिना उसके थोड़ा सा निकाल के देते ना चम्मच में मूंगफली के, तो ये हो गया गुड़ तैयार, ये मूंगफली वाला गुड़ है, ये देखो गाइस
तो अभी ये भैया देंगे गरम गरम गुड़ टेस्ट करने के लिए। तो ये आ गया बहुत लाजवाब और टेस्टी। गाइस अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। मैंने गुड़ भी ले लिया और शक्कर भी ले लिया। गुड़ हमने कम लिया, 1 kg लिया, शक्कर 5 kg लिया। बाकी गरम गुड़ का इतना स्वाद आया ना, इतना स्वाद आया, मतलब मैं आपको ना बयान नहीं कर सकता कि कितना टेस्टी था। ठीक है, ये देसी गुड़, तो इस करके मैं दुकान से नहीं लेता, मैं यहीं से आकर परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, दुकान पर वो 5-10 रुपये कॉस्टली बेचते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक थोड़ा सा दूर, पर चीज़ ओरिजिनल मिल जाती है। देखो कि आज के टाइम में चीज़ ओरिजिनल मिल जाए ये सबसे बड़ी बात है ना। तो गाइस वाकई में मज़ेदार गुड़ था। अभी हम घर पहुंच चुके हैं। मैं ना अपने तोतू के लिए ये नया घर लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, ये ट्रे लगी हुई है, जब ये बिट्ठे बुट्ठे करेगा, पोटी वगैरह करेगा, इसी में करेगा और ये निकल कर साफ़ हो जाएगा। और ये इसके खाने की कटोरियाँ ये फिक्स रहेंगी, ये इसमें से कुछ गिरा नहीं सकता। और ये रहे 2 डंडे जो जिनके ऊपर हमारा तोतू बैठ के ऐश करेगा। हाँ तो गाइस अभी इसको नए घर में ट्रांसफ़र करते हैं अपने मिट्ठू को। तो ये सोनी यहाँ पर लाश बनकर पड़ी हुई है। तो ये कह रही है मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। हाँ क्यों, क्या हो गया? तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सोनी को डॉक्टर ने मना किया हुआ है कहीं भी जाने आने को, और टोटल बेड रेस्ट बोली, और ये टोटल ही बेड रेस्ट ले रही है। तो गाइस अब टाइम आ गया, हम मिट्ठू को करेंगे इस घर में ट्रांसफर। ये पुराने घर से बड़े प्यार से आ जाता है ना हाथ में, ये देखो बाहर निकाल के बैठ रखे, ये देखिए गाइस, ये हमारा तोतू। तो ये खाता है इसकी बुर, ठीक है, ग्लव्स की। तो अब ये देखो गाइस कितना प्यारा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है हमारा तोतू, हमारा तोतू। हम लोग तो गाइस अब इसको छोड़ते हैं, इसके न्यू घर में ट्रांसफर करते हैं। तो चलो तोतू, इसी बात के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नया ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपके पास साथ की साथ नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, सत श्री अकाल, लव यू ऑल।